आप देख रहे हैं TNB। स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। दिल्ली मेट्रो के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आज अपनी रफ्तार से दौड़ती हुई इस दिल्ली मेट्रो को 20 साल हो चुके हैं और यहां पर इस वक्त हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से सेलिब्रेट जो है वो किया जा रहा है दिल्ली मेट्रो के 20 साल को, और अब आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से और सेलिब्रेट किया जाएगा और क्या कुछ चीज़ें जो हैं इस दिल्ली मेट्रो के 20 साल की यादों में जुड़ी हैं वो भी देखने लायक होंगी। सर आज टुडे इज अ हिस्टोरिक डे, कांग्रेचुलेशंस दिल्ली मेट्रो ऑन योर 20th एनिवर्सरी। दिल्ली मेट्रो हैज बीन अ फेनोमिनल सक्सेस। इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड दिल्ली फॉरएवर। इट ब्रॉट अबाउट द दिल्ली मेट्रो रेवोल्यूशन। Now Delhi Metro is helping many other Indian cities and even crossing the border to Dhaka Metro, Jakarta Metro. So with strong leadership from Managing Director Kumar and his close assistants, I am convinced that key principles such as safety management, human-centered management, and most importantly, women's safety will spread and find places in many other cities and many other countries. So this year we celebrate the 70th anniversary of friendship between Japan and India, and it is very befitting that today we celebrate the 20th anniversary of Delhi Metro. Yeah. दिल्ली की जनता को आज 20 साल हो रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है और इसमें जापान के साथ हम लोगों की 70 साल की जो मित्रता है वो भी इसी साल में इंसिडेंटली पड़ रही है, तो एक और बहुत ही अच्छा ओकेजन है ये, जिसमें कि जापान के राजदूत हमारे यहाँ आए, अपना टाइम निकाल के दिया, हम लोग का उत्साहवर्धन किया। और यहाँ जो इस समय एग्जीबिशन लगा है, इसको हमारे अनुज दयाल जी जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के, उनकी पूरी टीम ने बनाया है एक साथ, और बहुत अच्छे से आप देखेंगे इसमें हिस्ट्री पूरी 20 साल की रिफ्लेक्ट करी है फोटोग्राफ्स के जरिए। ये एक परमानेंट एग्जीबिशन रहेगा जिसको कि जनता हमारी कभी भी आके देख सकती है इस मेट्रो के अंदर। ये एक एडिशन हुआ है हमारे, और जगह भी हमने कुछ कुछ डिस्प्लेस लगा रखे स्टेशन पे उसमें, तो आशा करता हूँ सब लोग बहुत उत्साहित रहेंगे दिल्ली मेट्रो की जर्नी में और हम लोग आगे भी दिल्ली की जनता की इसी तरह सेवा में तत्पर रहेंगे। दिल्ली मेट्रो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है उसमें कि दिल्ली ऑलरेडी, ये एक ग्रीन फील्ड नहीं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट था, तो दिल्ली में ऑलरेडी इतना कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग थी और वहाँ पर मेट्रो बनाना एक चैलेंज था, जिसको कि आपने अगर सुना हो तो मिस्टर साइतो जो जायका के चीफ हैं और जापानीज सोच रहे थे कि यहाँ बन ही नहीं सकता है, उसको हम लोगों ने बना के दिखाया। तो इस जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और पूरी टीम वर्क है जिससे ये सक्सेसफुल हुए हैं हम लोग, और मैं इसीलिए ये मतलब उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे। जो भी काम दिल्ली मेट्रो ने लिया है उसमें हम सक्सेस अचीव किया है, और बहुत सारे
ऐसे काम हैं जो पहली बार दिल्ली मेट्रो ने करके दिखाए हैं, जैसे स्मार्ट कार्ड पहली बार लाना, कार्बन क्रेडिट पहली बार मिलना, ड्राइवरलेस ट्रेन पहली बार लाना, ये सारी चीज़ें सब पहली बार है, ATP सिग्नलिंग सिस्टम पहली बार लाना इंडिया में। तो ये अब हम इंडिजनाइजेशन की तरफ भी फोकस कर रहे हैं, जिससे कि हमें बाहर के विदेशों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े इस टेक्नोलॉजीज के लिए। फेज़ 4 का पहला ओपनिंग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सर? 2024 में है। And other distinguished guests, participants, good afternoon. I am indeed delighted to be here with you to address my sincere appreciation for this ceremony. First and foremost, I'd like to congratulate and express my gratitude to on behalf of JICA for commemorating 20 years of Delhi Metro operation and organizing this memorial ceremony. Delhi Metro and JICA have had a long relationship since 2095. As of now, 15 members of the NOVA agreements and more than 825 billion Japanese yen, approximately 500 billion rupees, was signed, and a shining example of the success of Delhi Metro by Japan's economic cooperation have evolved with many firsts in its tender cap. Delhi Metro's tremendous efforts and Japan's support through consultants, contractors, exemplified by the efforts of the Dr. Abe, for example. Mera naam Hiroshi Suzuki hai. Main Bharat mein Japan ka rajdoot hoon. Sabse pehle Delhi Metro ki विश्वीन वर्षगांठ को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आज मैं भी यहाँ तक दिल्ली मेट्रो से ही आया हूँ। दिल्ली मेट्रो बहुत ही आरामदायक था। 20 years ago, Delhi Metro was created with financial and technical assistance from Japan through JICA. There are many challenges, and if you look at the booklet that Abe-san just handed over, you can see how tremendous these challenges were. But it was a close collaboration between the Japanese team, headed by JICA and helped by Abe-san and many others, and the Indian team, which made Delhi Metro a reality. दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो आज 20 साल की हो चुकी है और आज हम इसी के सेलिब्रेशन में मौजूद हैं। वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास हम हैं और यहाँ पर दिल्ली और जापान के रिश्तों को जो 70 साल हो गए हैं उसे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, साथ ही 20 साल दिल्ली मेट्रो के उसको भी जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तस्वीरों में साफ तौर पर दिल्ली और जापान के और मेट्रो में जापान के दिए गए जो योगदान हैं उनको किस तरीके से तस्वीरों में संजो कर यहाँ पर रखा गया है। अगर दिल्ली मेट्रो की बात की जाए तो दिल्ली मेट्रो इस समय दिल्ली वालों का एक अहम हिस्सा, उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा जो है वो बन चुकी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली वासियों का सफ़र जो घंटों का सफ़र होता था उन्हें मिनटों में समेट दिया है। और इसी के साथ ही और दिल्ली मेट्रो जो है वो अब कहीं ना कहीं एक बहुत सुविधा की चीज़ जो है वो बन चुकी है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे किस तरीके से सजावट वेलकम मेट्रो स्टेशन पर की गई है और साथ ही इसे सेलिब्रेट जो है वो आज किया जा रहा है। अगर बात की जाए इसके इनॉग्रेशन के 20 साल पहले जब इसका उद्घाटन किया था तो तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लंबे समय से दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया था और ये एक बहुत बड़ी दिल्ली मेट्रो के लिए बात कही जा
जाती है कि दिल्ली मेट्रो का जो बनने का समय निर्धारित किया गया था उससे 2 साल और 9 महीने पहले ही ये मेट्रो जो है बनकर तैयार हो गई थी। ये एक बहुत हमारे कहें कि हमारे देश में और दिल्ली के लिए एक इतिहास की बात है, क्योंकि हमारे देश में योजनाएं जो हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो लंबित के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कोई भी योजना कोई भी चीज़ बनकर तैयार हो जाए वो भी अपने समय से पहले, ये वाकई में ही जो है वो इतिहास की बात है और यही दिल्ली मेट्रो में हुआ है। अब सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपने तस्वीरों में देखा है किस तरीके के प्रोग्राम किए गए हैं, हमारे देश का जो कल्चरल प्रोग्राम है उन्हें भी यहाँ पर दर्शाया गया है, साथ ही जो जापान की कला है उसे भी यहाँ पर, मार्शल आर्ट्स जो है उसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है, किस तरीके से सुरक्षा को लेकर यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं, साथ ही यहाँ पर हमारे देश का जो डांस होता है, डांस फॉर्म होती है कथक, उसे दिखाया गया है, पंजाब का जो फॉर्म होता है डांस गिद्दा उसे को भी यहाँ पर दिखाया गया है, बहुत सी चीज़ें जो है वो कल्चरल प्रोग्राम में इसमें यहाँ पर दिल्ली मेट्रो में दिखाई गई। साथ ही हमने आज इस मेट्रो का सफ़र भी जो है वो तय किया कश्मीरी गेट से वेलकम तक। जी हाँ, ये वही लाइन है जो सबसे पहले शुरू हुई थी जब दिल्ली मेट्रो चली थी, तब सबसे पहले इसी लाइन जो है यही लाइन बनकर तैयार हुई थी, 6 स्टेशनों की ये लाइन सबसे पहले चली थी और अब जो है ये एक तरीके से दिल्ली मेट्रो का पूरा मकड़ जाल जो है वो पूरी दिल्ली में फैल चुका है, तमाम स्टेशन्स हैं, लाखों 50 लाखों लोग रोज़ाना इसमें सफ़र करते हैं और अब जो है ये लोगों के कंफर्ट जोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है दिल्ली मेट्रो बन चुकी है। तो आज हम यहाँ आए थे 20 साल को सेलिब्रेट करने, 70 साल जापान और हमारे देश के रिश्ते को सेलिब्रेट करने, तो आपने देखा है तस्वीरों में और इसी के साथ ही आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके लिए दिल्ली मेट्रो कितना महत्व रखती है और अगर आपने सफ़र किया है तो आप भी हमें अपनी सफ़र की कुछ मीठी यादें जो हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस दिल्ली मेट्रो में कई मूवीज़ की शूटिंग भी जो है वो हो चुकी है, तो आप हमें अपनी मीठी यादें जो दिल्ली मेट्रो में आपके साथ रही हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़ दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।